हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड क्लास 9th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन मैं यहां पर बताऊंगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों का अगले सप्ताह प्री बोर्ड का एग्जाम है, प्री बोर्ड में अच्छा नंबर लाना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है या आपका फाइनल एग्जाम में कैसा मार्क्स आने वाला है। एक डेमो हो जाएगा आपका। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में जितना क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ सभी ओरिजिनल क्वेश्चन है, प्री बोर्ड का क्लास 9th का झारखंड बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन है। बस अंतर यही कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछला साल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पिछला साल का हो या कभी का भी हो, प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पिछला बार पहले 50 क्वेश्चन पूछा जाता था, इसलिए यहाँ पर 50 बहुविकल्पीय प्रश्न लिखा हुआ है। इस बार आप लोगों का 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 10 नंबर स्कूल की तरफ से इंटरनल मार्क्स में मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा प्री बोर्ड का। ठीक है, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक से ही ये सभी क्वेश्चन है। तो आप याद कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। देखिए, हिंदी में सबसे पहले यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, फिर नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। देखिए, निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। देखिए, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वह चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकास मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्रायः ही वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। भारतवर्ष में किसको अधिक महत्व दिया गया है? पहला ऑप्शन है बाहरी तत्व को, दूसरा आंतरिक तत्व को, तीसरा भौतिक तत्व को, चौथा मौलिक तत्व को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आंतरिक तत्व को। पैसेज में आंतरिक तत्व दिया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, लोभ मोह काम क्रोध आदि विकास मनुष्य में किस प्रकार का आचरण माना गया है? पहला ऑप्शन है अच्छा, दूसरा मौलिक, तीसरा निकृष्ट, चौथा स्वाभाविक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, स्वाभाविक आचरण माना गया है। इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर, बीमार के लिए किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती? भोजन की, भूख की, पानी की, दवा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। फिर देखिए नेक्स्ट, चार नंबर, कायदे कानून किसकी भलाई के लिए बनाए गए हैं? पहला ऑप्शन है मनुष्यों, दूसरा जानवरों, तीसरा जंगलों, चौथा पहाड़ों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मनुष्यों के लिए कायदे और कानून बनाए गए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, पांच नंबर, पवित्र का विलोम शब्द होगा, पवित्र का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अच्छा, दूसरा बुरा, तीसरा अपवित्र, चौथा आचरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अपवित्र। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन मिलेगा उसका आंसर देना है। देखिए पहले पढ़ लेते हैं, हम केवल सीखने के लिए ही पुस्तकों का साथ नहीं ढूंढते, आनंद के लिए भी हम उनके पास जाते हैं। जानबूझकर ही मैंने आनंद कहा है,
न कि मनोरंजन, क्योंकि दोनों पृथक पृथक हैं। कुछ लोग मनोरंजन के लिए भी पढ़ते हैं, ये लोग पढ़ते हैं ऐसी कथा और कहानियाँ जो आज है और कल नहीं, जो कल नहीं है और कल वासी पढ़ जाती है। सच्चा साहित्य आनंद देता है, ऐसा आनंद जिसे समझना कठिन है, और साहित्य यह आनंद पहुंचाता है अपने सत्य और सौंदर्य के द्वारा। वस्तुतः अध्ययन का अभिप्राय है स्वयं पढ़ना। अध्ययन पुस्तक का भी हो सकता है और अपने आसपास के जीवन का भी। इस प्रकार एक निरक्षर व्यक्ति भी देख सुन मिलजुल कर देश भ्रमण करके लोगों की सेवा करके परिस्थितियों के धक्के खाकर कभी कुछ खोकर कभी कुछ सीखकर दुनिया का अध्ययन कर सकता है। निश्चित ही यह जीवन का व्यवहारिक अध्ययन है, इसमें भी आनंद आता है और इससे भी कबीर जैसा मनुष्य ज्ञानवान बन सकता है, किंतु यह महंगा सौदा है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर पढ़ते हैं, यहाँ पर जो पैसेज है उसी से आंसर देना है। हम पुस्तकों का अध्ययन क्यों करते हैं? पहला ऑप्शन है गाने के लिए, दूसरा नाचने के लिए, तीसरा हंसने के लिए, चौथा सीखने तथा आनंद के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सीखने तथा आनंद के लिए हम पुस्तक पढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, सच्चा साहित्य हमें क्या देता है? सच्चा साहित्य हमें क्या देता है? रस, छंद, अलंकार, आनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, आनंद देता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, एक निरक्षर व्यक्ति दुनिया का अध्ययन कैसे करता है? पहला ऑप्शन है पढ़कर, दूसरा लिखकर, तीसरा देश भ्रमण एवं अवलोकन कर, चौथा बोलकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, देश भ्रमण एवं अवलोकन करके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर, अध्ययन का अभिप्राय क्या है? अध्ययन का अभिप्राय क्या है? स्वयं पढ़ना, नहीं पढ़ना, पुस्तकें खरीदना, पुस्तकें जमा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अध्ययन का अभिप्राय है ऑप्शन नंबर पहला, स्वयं पढ़ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर की ओर, व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? व्यय या क या हिक या इक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इक। व्यवहारिक में इक प्रत्यय है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए अगला, नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। मेरे प्रिय मित्र नमस्कार, मेरे प्रिय मित्र नमस्कार। देखिए तुम्हारा खाली स्थान मिला, तुम्हारा यहाँ पर क्या होना चाहिए? पत्र मिला, खुशी हुई, तुम वाद विवाद, यहाँ पर क्या होगा? प्रतियोगिता। देखते हैं, अच्छा ऑप्शन बाद में देखेंगे हम लोग। खालिस्तान में प्रथम आए हो, मैं खालिस्तान नहीं सकता कि कितना खुश हूँ। तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के अन्य खालिस्तान में भाग लेते रहो, इससे तुम्हें खालिस्तान फायदा होगा। अब पत्रांत करता हूँ, तुम्हारा अभिन्न मित्र अनुराग। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा और एक बार देखते हैं यहाँ पर हम लोग 11 नंबर, देखिए दोस्त, भाई, पत्र या सामान। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पत्र। फिर देखिए 12 नंबर, कार्यकलाप, प्रतियोगिता, हंसी खुशी या संदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रतियोगिता, वाद विवाद, प्रतियोगिता। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, बोल, कह, पता, बात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बोल। ठीक है, बोल। देखते हैं ऑप्शन नंबर 13 में क्या है, मैं खालिस्तान नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता कितना खुश हूँ। हाँ ये भी सही है, मैं बोल नहीं सकता, 13 नंबर बोल, 13 नंबर में बोल, बोल ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। या मैं कह नहीं सकता कितना खुश हूँ, मैं बोल और कह। आप लोगों को क्या लगता है 13 नंबर में क्या सही आंसर होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 13 नंबर में मैं कह नहीं सकता या मैं बोल नहीं सकता, दोनों में से क्या सही आंसर होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा 13 नंबर का। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, 14 नंबर का ऑप्शन है क्रियाकलाप, कामकाज, काम या नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विद्यालय की क्रियाकलाप। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, कम, थोड़ा, बहुत, नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बहुत, बहुत। इसे आप लोग पैसेज जो यहाँ पर जो पैसेज नहीं यहाँ पर जो ये पत्र दिया हुआ है इसको पढ़िएगा तो इजीली आप लोग इसको बना पाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर, देखिए व्यवहारिक व्याकरण 16 से
30 नंबर तक। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। 16 नंबर देखिए, बालक का स्त्रीलिंग रूप होगा, बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चलिए कमेंट करिए। पहला ऑप्शन है बालिका, दूसरा भी बालिका, तीसरा बालिका है, चौथा बालक हो। तो पहला दूसरा ऑप्शन बालिका है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बालिका। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला बालिका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, पुस्तक का बहुवचन, पुस्तक का बहुवचन, पहला पुस्तकालय, दूसरा पुस्तिका, तीसरा पुस्तक है, चौथा पुस्तिकाएँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा पुस्तक है, पुस्तक बहुवचन होगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन है? 1 किलो सेब, 4 गुना, तीसरा बलवान, चौथा 1 पुत्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा बलवान, बलवान गुणवाचक विशेषण है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर, शशि गा और नाच रही है, शशि गा और नाच रही है, यह किस प्रकार का वाक्य है? पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य, चौथा उपवाक्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सरल वाक्य, शशि गा और नाच रही है सरल वाक्य है, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर की ओर, इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं है, इसमें से आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है गगन, दूसरा अंधेरा, तीसरा अंबर, चौथा अंतरिक्ष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अंधेरा, आकाश का पर्यायवाची नहीं है अंधेरा। फिर देखिए नेक्स्ट 21 नंबर, 21 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री ने भाषण दिए हैं, दूसरा मुख्यमंत्री भाषण ने दिया, तीसरा मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, चौथा मुख्यमंत्री ने भाषण दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 22 नंबर, 22 नंबर का क्वेश्चन है, आग में घी डालना, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ, पहला ऑप्शन है क्रोध को बढ़ावा देना, दूसरा ऑप्शन है घी गलाना, तीसरा आग बुझाना, चौथा गुस्सा करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला क्रोध को बढ़ावा देना, आग में घी डालना का अर्थ है क्रोध को बढ़ावा देना। फिर देखिए 23 नंबर, आदान का सही विलोम, आदान का सही विलोम, पहला ऑप्शन है आना, दूसरा प्रदान, तीसरा देना, चौथा प्राप्त करना, तो आदान का विलोम शब्द प्रदान हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, 24 नंबर का क्वेश्चन है, आदि आदि, यहाँ पर दोनों आदि है लेकिन स्पेलिंग अलग है, आदि आदि का सही अर्थ भेद शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है प्रारंभ अभ्यस्त, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभ अदरक, तीसरा ऑप्शन है अभ्यस्त प्रारंभ, चौथा ऑप्शन है इत्यादि अभ्यस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा इत्यादि अभ्यस्त, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से कई सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 25 नंबर, गुड़ खालिस्थान कर देना, गुड़ खालिस्थान कर देना मुहावरे को सही शब्द से पूर्ण करें, गोबर तेवर चोकर शक्कर, तो गुड़ गोबर कर देना होता है, गुड़ गोबर कर देना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला गोबर। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर, सच्चा का सही विलोम होगा, सच्चा का सही विलोम क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है झूठ, दूसरा झूठा, तीसरा ठग, चौथा चोर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा झूठा, सच्चा का विलोम हो जाएगा झूठा। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर, प्राचीन प्राचीर का सही अर्थ भेद शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है पुराना दीवार, दूसरा नया दीवार, तीसरा पुराना किला, चौथा दीवार पुराना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पुराना दीवार। प्राचीन मतलब होता है पुराना और प्राचीर मतलब होता है दीवार, मोटा दीवार। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर, नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है राधा ने भजन गाई है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक कहे हैं, तीसरा किसी ने कह रहा है, चौथा मैंने रोज पढ़ाई की, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होना चाहिए 28 नंबर का, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 29 नंबर, साधु खालिस्थान होते हैं, साधु खालिस्थान होते हैं कृपा का विशेषण बनाकर खाली जगह को भरे, कृपालु कृपापूर्ण कृपया कृपा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कृपालु, साधु कृपालु होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 30 नंबर, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन है मैं शुद्ध गाय का दूध पीता हूँ, दूसरा
उनकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होगा। तीसरा, आपके दर्शन हुए। चौथा, बच्चा मैदान में खेल रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आपके दर्शन हुए। आपके दर्शन हुए शुद्ध वाक्य है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पाठ्यपुस्तक से यहाँ पर 31 से 50 तक लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग 40 तक ही देखने वाले हैं। ओके, देखिए 31 नंबर, हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? झूरी, मुरी, हरी, गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, झूरी था। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 32 नंबर, लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम, जितने भी लेखक हैं, राइटर हैं, कवि, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पहला ऑप्शन है श्यामा चरण दुबे, दूसरा ऑप्शन है जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यानंद, चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राहुल सांकृत्यानंद। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 33 नंबर, मेरे बचपन के दिन किस पाठ, किस प्रकार का पाठ है? मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, संस्मरण। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 34 नंबर, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, यह पंक्ति किस पाठ का है? पहला है लहासा की ओर, दूसरा सांवले सपन किया, तीसरा प्रेमचंद के फटे जूते, चौथा है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपभोक्तावाद की संस्कृति। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 35 नंबर, बर्ड वाचर किसे कहा गया है? बर्ड वाचर किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है लॉरेंस, दूसरा सालिम अली, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा फ्रोडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सालिम अली को बर्ड वाचर कहा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 36 नंबर, इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? यह पंक्ति किस पाठ का है? पहला ऑप्शन सारे सपनों किया, दूसरा प्रेमचंद के पटे जूते, तीसरा नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, और चौथा ऑप्शन है मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, चैप्टर का यह लाइन लिखा हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 37 नंबर, कुत्ते के प्राणपन आत्मनिवेदन को गुरुदेव ने किस रूप में लिया? पहला ऑप्शन है आध्यात्मिक महिमा, दूसरा स्वामी भक्ति, तीसरा चैतन्य शक्ति, और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा स्वामी भक्ति। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 38 नंबर, दो बैलों की कथा के पाठ के लेखक का नाम, दो बैलों की कथा के पाठ के लेखक का नाम क्या है? जाकिर हुसैन, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, या महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रेमचंद। दो बैलों की कथा के लेखक हैं प्रेमचंद। फिर देखिए नेक्स्ट 39 नंबर, कवि ने मरकत दिब्बे सा खुला किसको कहा है? कवि ने मरकत दिब्बे सा खुला किसको कहा है? पहाड़ को, पठार को, गांव को, या शहर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गाँव को कहा है मरकत दिब्बे सा खुला। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा लास्ट प्यारा सा क्वेश्चन 40 नंबर, मेघाय कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? मेघाय कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो पहला ऑप्शन है पावस, दूसरा गर्मी ऋतु, तीसरा बसंत ऋतु, चौथा शरद ऋतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पावस ऋतु। पावस ऋतु का वर्णन हुआ है मेघाय कविता में। तो इस तरीके से हमने 40 क्वेश्चन देख लिया, प्री बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ओरिजिनल क्वेश्चन है, बस प्रीवियस ईयर का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला सप्ताह आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है। आज के लिए इतना ही, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो और आपको देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।